वादा तो कश्मीर में प्लॉट खरीदवाने का था, लेकिन जनता को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तक नहीं मिला। ये उत्तर प्रदेश है जनाब, यहाँ राम राज्य चलता है। योगी जी कहते हैं कि खाली मूली भरम ना फैलाइए, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वही चेहरे बता सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। वहीं कोरोना की जंग में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए। कहीं संक्रमित पति की जान बचाने के लिए पत्नी जद्दोजहद करती नजर आ रही है, तो कहीं पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटी की गुहार। जब कोई अपने सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है, जब नजरों के सामने किसी के पति की सांसें उखड़ने लग जाए, तो खुद अपनी परवाह कहाँ रह जाती है। ये कहानी है आगरा की, जहाँ पत्नी ने पति की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पर लगा दी। महिला का नाम है रेनू सिंघल। अपने पति रवि सिंघल को लेकर ऑटो से वह अस्पताल के लिए रवाना होती है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और पति ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगा। तभी रेनू ने अपनी सांसों से पति की सांसें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। कोरोना ने पति को छीन लिया। ऐसी ही एक और तस्वीर देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी संवेदना शून्य हो जाएगी, आप सिस्टम के नकारेपन पर तिलमिला जाएंगे। ये तस्वीर भी आगरा की ही है। ये एक बेटे की कार है। बेटे की कार के ऊपर पिता का शव पड़ा है। जयपुर हाउस के मोहित के पिता की मौत हो गई। मोहित ने शव को शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाने की कोशिश की, कई बार की, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कार की छत पर शव को बांधकर बेटा अकेले ही शमशान निकल पड़ा पिता के अंतिम संस्कार के लिए। वहीं आपको दिखाते हैं यूपी के बिजनौर की कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जहां आगरा में कोई आगे नहीं आया, वहीं पुलिस का मानवीय चेहरा राहत दे गया बिजनौर में। कोरोना काल में अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया, तो बेटे ने की सहायता, किया बुजुर्ग माँ का अंतिम संस्कार। कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। बुजुर्ग महिला की मौत होने पर जब रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने घर आने से मना कर दिया, तो एक बेटे की उम्मीदों पर पहाड़ सा टूट गया। बेटे ने अपनी मां की शव यात्रा और अंतिम संस्कार के लिए पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस भी बिना देर किए मृतक बुजुर्ग के घर पहुंच गई और शव यात्रा का अंतिम संस्कार कर बेटे के साथ बुजुर्ग मां के अंतिम संस्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस का मानवीय चेहरा बिजनौर से सामने आया है।